झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होगी वोटिंग, नतीजे 23 को। विकास कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। यह चुनाव झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए होंगे, जिसमें लगभग 2.6 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां 5 चरणों में मतदान हुआ था, वहीं इस बार केवल 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया को संक्षिप्त किया गया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने प्रचार प्रसार में कई नियमों का पालन करना होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कुल 29,562 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां मतदाता अपने मत डाल सकेंगे। इफ आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन झारखंड, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागोंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, ब्रजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्ट्रल रोल में किया गया है। सभी डीओस ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया है, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क और वहाँ इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। फ्रेंड्स, इफ आई कम टू द नेक्स्ट, ईज ऑफ वोटिंग फॉर सीनियर सिटीजन पीडब्ल्यूडीज, दिस विल बी फॉलोड। यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द पैन इंडिया कवरेज of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो अलोंग विद द पोलिंग पार्टीज टू द हाउसेज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एंड पीडब्ल्यूडीज। और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी
प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन. जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है. इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे. वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं. वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज देख सकते हैं. सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड. जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया जे एंड के हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए. वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स दी एंड लाइटेंड वोटर्स विल इन्फॉर्म अस ऑन सी विजिल अबाउट एनी मेल प्रैक्टिस विच दे नोटिस इन देयर एरिया एंड वील रीच देयर इन 90 मिनट्स टू हैंडल इट. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आर ऐप विच इज KYC नो योर कैंडिडेट. हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की तो DOs स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं.